एक मिनट तुम इधर देखो सामने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंदगी मसाला विद सरला। हैप्पी नवरात्रि। नहीं बोलो तुमने? नहीं बोलो। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, तो प्यारी फैमिली, देखा आपने हमारा छोटा सा मंदिर, देखिए तैयार है नवरात्रि के लिए। देखिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए हम लोग, और हस्बैंड ने तो मुझे अब की बार व्रत वगैरह भी नहीं रखने दी। मेरा अब की बार इच्छा थी कि हम लोग अच्छे से मनाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ करनी है उसे अच्छे से करना चाहिए फॉलो। और आप तो जानते ही हैं हमारे घर में, आपने तो देखा ही, हमारी बिल्लियाँ, हमारा कुत्ता, हमारे कौवे, तो ये सब चीज़ें पूरी तरह से फॉलो नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि जो चीज़ ठीक से फॉलो नहीं होगी, हस्बैंड ने कहा वो काम नहीं करने का, अच्छे बच्चे बनने का। इसलिए हमने अब की बार पूजा करी है और हम व्रत वगैरह तो नहीं रखेंगे, लेकिन हम बाकी चीज़ें फॉलो करेंगे। हम मंदिर जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, ये माहौल ही कुछ अलग सा होता है ना। तो बस हम भी ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत ऊँच नीच चली रही है हर जगह पे आप लोगों के साथ। फिर भी आपने बात करी नहीं, आपको कुछ नहीं कहना? हेलो फ्रेंड्स। बस बस हो गई इनकी बैटरी डाउन, इतनी चार्ज होती है और इतने में डाउन हो जाती है। बस चार्जर ज़रा घटिया है क्या बैटरी? तो फ्रेंड्स बस यही था। और आज हम लोग गए थे मंदिर। कौन से मंदिर गए थे बेबी? आज कौन से मंदिर गए थे हम लोग यार? हम वहाँ गए थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी माता मंदिर पे। बेबी आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मंदिर की बात नहीं कर रही, मैं हम सुबह कौन से वाले मंदिर? सुबह वाले सुबह तो वहाँ गए थे हम, गढ़िया शुरू वैष्णो माता का मंदिर। हाँ गढ़ी हर स्वरूप हम लोग गए थे। आज हम लोग गए थे वैष्णो माता मंदिर गढ़ी हर स्वरूप। तो ये मंदिर जो है ये काफी पुराना मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है। आई थिंक कितना बताया था उन्होंने? बताया था कि 32 साल से पुराना है। 32 साल पुराना मंदिर, वहाँ हमें पता चला 32 साल पुराना मंदिर है। और ये पूरी टू कॉपी, ये मंदिर जो है ना पूरा का पूरा कॉपी है, जो रियल वैष्णो देवी मंदिर है ना वहाँ की कॉपी है। और काफी सुंदर है अंदर से, वही गुफा वगैरह होते हुए अंदर से, और अंदर अलग अलग मतलब माताओं के जितनी नौ देवियां उन सबके अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, और काफी अच्छा लगा वहाँ जा करके हमको। लेकिन एक दिक्कत हो गई, वो ये हम बड़े अरमानों के साथ गए थे, हम दिल्ली से गए थे, गुड़गांव क्रॉस करके गढ़ी हर स्वरूप, काफी दूर का था सफर हमारा, बहुत थक गए थे। लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे आप अंदर आप फोटो वगैरह शूट नहीं कर सकते हो। तो हमने जैसे तैसे जो थोड़ा बहुत हम ले पाए हमने लिया। एक साइड बैठी पे। एक मिनट तुम इधर देखो सामने। Thank you.
निकल नीचे आजा। हमारी तरफ से एक गिफ्ट हो जाए आपके लिए, तो आपको आज हम मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा जितना हम कर पाए हमने अंदर का जितना शूट किया आप लोगों के लिए शूट किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आइए आपको थोड़ा मंदिर के बारे में और बताते हैं यहाँ के बारे में। ये भैया हैं यहाँ पर, जय माता दी। भैया ये बताइए पहले तो आपकी ये मंदिर कितना पुराना है, मतलब 32 ईयर्स पुराना मंदिर है और यहाँ की काफी मान्यता है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप सच में वैष्णो देवी नहीं जा सकते तो आप यहाँ पर आ जाइए, आपको बिल्कुल वही टू कॉपी मिलेगी और वही दर्शन होंगे, आपका मन जो है वो चित प्रसन्न हो जाएगा एकदम। तो भैया और बताइए कि अगर हमारे दर्शक जो हैं जो दूर से देख रहे हैं दिल्ली से या गुड़गांव के आसपास से नहीं है, तो अगर वो यहाँ आना चाहें तो मतलब ठहरने वगैरह का क्या यहाँ पर कोई इंतजाम है? ठहरने के लिए कुछ खाने पीने का नाश्ता पानी मिल सके, अच्छा साफ सुथरा वो मिल सकता है? रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे। अच्छा किस तरफ होंगे रेस्टोरेंट वगैरह? चौक से लेफ्ट साइड में। अच्छा यहाँ से आगे जाके चौक से लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों खाने पीने का भी अच्छा बंदोबस्त है सुन रहे हैं ऐसा, तो ठीक है हम लोग थोड़ा सा राउंड मारते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के खाने पीने का यहाँ कैसा बंदोबस्त है। और अच्छा इधर पीछे से निकल के जाना होगा। अच्छा तो चलिए दोस्तों एक बार चलते हैं जरा, अब यहाँ तक आए हैं तो ये भी क्यों छोड़ के जाएं, चलिए एक बार और राउंड मार के आते हैं, आइए फिर। लेकिन मेरे मन को ना शांति नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई पता करो यहाँ आसपास में कोई तो अच्छा मंदिर होगा जहाँ हम अपने दर्शकों को अपने प्यारे प्यारे फैमिली को और अपने व्यूवर्स को माता के दर्शन करा सकें अच्छे से। तो हमें पता चला हमारे घर के पास ही यहाँ पर एक माता का मंदिर है बड़ा, तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे शूट किया और आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा है। तो इंजॉय कीजिए आप हमारे, देखिए हमने क्या क्या दर्शन किए। उधर से दिखाने दो ना, हाँ ले सकते हैं ले सकते हैं। कितने अच्छे हमारे यहाँ वाले देखो
कुछ भी नहीं कहते। नहीं, ये पता कौन है? कौन है? विष्णु। हाँ तुम शेषनाग कह रहे थे ना। तो साफ भी नहीं आ रहा। थोड़ी और आगे हो जाओ। उससे क्या होगा? देखो और साफ, थोड़ी और साफ लेंगे तो आगे आ जाएगा। देखो थोड़ी ना साफ से, थोड़ी और पोज करके। ठीक है। भगवान करे इस नवरात्र पर जो भी अब तक की परेशानियां वगैरह थी आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, वो सब दूर हो जाए। हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएं। जो काम अधूरे अटके हुए थे वो सब पूरे हो जाएं। और आप जो अभी तक सिर्फ हमारे व्यूअर्स हैं, आप ही की बात कर रही हूँ मैं, जो अब तक सिर्फ हमारे व्यूअर्स हैं वो भी हमारे एक एक्टिव सब्सक्राइबर बन जाए। देखा। तो दोस्तों ये है हमारी आप लोगों के लिए नवरात्र की पहली छोटी सी भेंट। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमें शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए। साथ ही अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।